हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे डी स्क्वायर बाय 162 एंड डी स्क्वायर बाय 533 क्या है। तो डी स्क्वायर बाय 162 ये वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है मीटर में, एंड डी स्क्वायर बाय 533 वेट ऑफ स्टील निकालने का फॉर्मूला है फीट में। और इससे जो भी वेट निकलता है वो एक मीटर का निकलता है, और यहाँ डी है डायमीटर ऑफ स्टील बार। अब हम देखेंगे कि ये डी स्क्वायर बाय 162 एंड डी स्क्वायर बाय 533 कैसे आया। तो वेट ऑफ स्टील इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। एरिया हो गया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ बार इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील बार। पाई 3.14 बाय 4 इंटू डी स्क्वायर इंटू लेंथ है हमारा 1 मीटर इंटू 7850, ये हमारा डेंसिटी है स्टील का, बाय 1000 × 1000, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है डी स्क्वायर इंटू 0.00616225। अब इसे हम नीचे ले आते हैं और उसके बाद डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है डी स्क्वायर बाय 162.29। इसे हम इक्वल टू मानते हैं डी स्क्वायर बाय 162 के। वेट ऑफ स्टील बार इससे जो भी निकलेगा वो 1 मीटर स्टील बार का वेट निकलेगा। अब हम देखेंगे कि डी स्क्वायर बाय 533 कैसे आया। हम जानते हैं वेट ऑफ स्टील बार इक्वल टू डी स्क्वायर बाय 162 केजी पर मीटर। अब हम इसे फुट में कन्वर्ट करेंगे, डी स्क्वायर बाय 162 इंटू 3.281। 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है, इसलिए हम इसको इंटू करेंगे, हमारा फीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डी स्क्वायर बाय 532.45, इसे हम अप्रोक्स मानते हैं डी स्क्वायर बाय 533 केजी पर फीट। इससे जो भी वेट निकलेगा स्टील का वो 1 फीट स्टील का वेट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।